गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं कुछ फ्रिक्शंस के ऊपर न्यूमेरिकल डाल रहा हूँ जो आईआईटी जेई और नीट में आते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स देखिएगा आप, इस न्यूमेरिकल में क्या है। कल भी मैंने ये न्यूमेरिकल करवाया था बट बीच में जो है मेरा पूरा लेक्चर हो नहीं पाया था क्योंकि नेट ज़्यादा हो गया था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1.2 किलोग्राम फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 1.2 किलोग्राम फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए 1.5 किलोग्राम ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाइड कर रहे हैं। विच रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रेस्ट के ऊपर है। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक, इस ब्लॉक में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है ये फाइंड आउट करना है। तो ये फोर्स हम हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं, जब हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग तो अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा, तो ये स्मॉल एफ मैंने क्या माना है, फ्रिक्शन फोर्स। अब इस ऑब्जेक्ट का मास मैंने एक बार m मान लिया तो वेट कितना हो गया mg, तो वेट तो किसी बॉडी का वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही हम क्या लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ले लेते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि 1.2 किलोग्राम फोर्स हमने अप्लाइड किया है, तो 1.2 किलोग्राम फोर्स अप्लाइड किया है, इसको आप न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एफ बराबर इतना न्यूटन आ गया। अब पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकालो, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालेंगे, एफ बराबर म्यू आर, आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, आर बराबर एम जी, यहाँ पुट कर देंगे एम जी। तो म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये अलग अलग सरफेस का अलग अलग होता है, कांस्टेंट होता है, ये गिवन है, मास गिवन है, ग्रेविटी गिवन है, वैल्यूज पुट करो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 दिया हुआ है, मास 1.5, जी 9.8, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। अब मान के चल रहे हैं कि जो जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस ब्लॉक के अंदर, तो ए मैंने क्या माना, ए विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी ब्लॉक की, तो भाई इधर हमने फोर्स लगाया कितना, कैपिटल एफ, अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स क्रिएट हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, कैपिटल एफ में से स्मॉल एफ माइनस कर देंगे तो ये नेट फोर्स आ जाएगा, और नेट फोर्स अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसके बराबर होता है, एफ बराबर एम इंटू में ए, मास इंटू में एक्सेलरेशन, एम इंटू में ए, कैपिटल एफ दिस, फ्रिक्शनल फोर्स कितना दिया है निकाल दिया, मास 1.5, एक्सेलरेशन ए, इस एक्सेलरेशन को यहाँ रखेंगे बाकी को डिवाइड में ले आएंगे। अब इसको यहाँ से माइनस करो, डिवाइड करने के बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज योर एक्सेलरेशन। ये हमें इस न्यूमेरिकल में करना था, फ्रिक्शंस के न्यूमेरिकल आपके आईआईटी जेई और नीट में आते हैं, और भी न्यूमेरिकल्स मैं डालता रहूँगा मेरे चैनल के ऊपर, तो जिस भी स्टूडेंट को या फिर मेरे फ्रेंड्स को ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कोई क्यूरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।